आइजाया चैप्टर 48 उसकी 48 अध्याय का 17 से लेकर 19 आए हम लोग यहाँ आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे चलाता हूं। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति की नदी नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी नीज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। आमेन। तो आज का प्रभु का वचन से मैंने बोलने का शीर्षक आपके बीच में विषय लेके आया हूं कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना, वॉकिंग इन टू गॉड्स पाथ, परमेश्वर के मार्ग पर चलना। सो आज सुबह हम इस परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे तो यहाँ परमेश्वर ने ये बातें बताई गई है, जो यहोवा हमारे छुड़ाने वाला, जो परमेश्वर इज़राइल का पवित्र परमेश्वर कहता है कि वो मेरे सम्मुख में चलो, मेरे मार्ग पर चलने के लिए, उसके मार्ग पर चलने के लिए उसके लोगों को प्रेरित कर रहा है, उसके लोगों को परमेश्वर बता रहा है कि तुम उसके मार्ग पर हमें चलना चाहिए, मतलब परमेश्वर के मार्ग पर। जब परमेश्वर के यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले हमें बनना है, परमेश्वर के यह वचन में लिखा है जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें जो शिक्षा दे रहा हूं तो शांति की रूप में तो परमेश्वर के चलना पाएगा। हर व्यक्ति को जीवन में शांति चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में आशीष चाहिए, तो हमें उसके लिए परमेश्वर के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो परमेश्वर आज यह परमेश्वर का वचन में कह रहे हैं लोगों, उस इसराइलियों को कह रहा है, प्रभु कहता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के पास आए थे, वो कहता है कि मेरे मार्ग पर चलो। या दूसरी बात पर हम 18 में देखते हैं, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता और तब मेरी शांति की नदी समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। और उससे आगे भी परमेश्वर के वचन कहता है कि तुझे जाना है कि उसी मार्ग पर तुझे चलाता हूँ। परमेश्वर कहता है कि उसी मार्ग पर मैं तुझे चलाता हूँ। सो परमेश्वर का मार्ग में चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में हमें परमेश्वर की आशीषों को महसूस करना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है कि उसी के मार्ग पर चले। सो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को उसके मार्ग पर चलाने के लिए, उसके धर्म में मार्ग है, उसकी आशीष के मार्ग परमेश्वर प्रेरित करता है हमें। प्रभु के वचन में लिखा, यदि आपका व्यवस्था का किताब उसकी 8:6 में प्रभु कहता है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसी के मार्ग पर चल। व्यवस्था का पुराने नियम में प्रभु कहता है, बार बार इस बात को जोर करता है कि उसी के मार्ग पर हमें चलना है जो परमेश्वर के मार्ग है। परमेश्वर के मार्ग आपको और मेरे को कभी भी निराश होना नहीं देगा। परमेश्वर के मार्ग ऐसा मार्ग है जो आपको मुझे शांति मिलती है और आप जो आपको मुझे आशीष देती है। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है जितने भी लोग को ये बाइबल में आप देखते हैं उन लोगों को परमेश्वर हमेशा कहता है कि मेरे मार्ग पर चलो, मेरे मार्ग पर चलो। परमेश्वर हमेशा ये बातें बोलता है। परमेश्वर के मार्ग पर चलने का मतलब है परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा, वही व्यवस्था का किताब में आप डिटोनेमी चैप्टर 30:16 में परमेश्वर वहां पर भी वही कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानकर मेरे, मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ व्यवस्था 30:16 में, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं
कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना और उसी के मार्ग पर चलना और उसी की आज्ञा विधियों के नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और तू बढ़ते जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उसे उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है वो तुझे आशीष दे। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी के मार्ग पर चले। कैसे चलेंगे? हम परमेश्वर की बातों को मानकर ही उसके मार्ग पर चल सकते हैं। हम अपनी मर्जी से अपने मार्ग नहीं बना सकते हैं। हम कितने दफा इंसान अपने मार्ग पर हमें चलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि नहीं, तुम अपने मार्ग को छोड़ दे और मेरी मार्ग पर चल, परमेश्वर कहता है। सो जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है वो हमेशा बढ़ते जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है हमेशा उसके जीवन बढ़ते जाएगी। प्रभु ने यही अपने लोगों को, जो इजरायली लोग थे, उनको हमेशा परमेश्वर कहता था कि तुम मेरे मार्ग पर चलो, अपने मार्ग छोड़ दो, अपने मेरी मार्ग पर चलो, मेरी बातों को मानो, मुझसे प्रेम करो और मेरी बातों पर तुम ध्यान लगाओगे और मेरी मार्ग पर तुम चलोगे तो हमेशा तुम आशीषित बनते जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बच्चे निराश में हो, दुख में हो, चिंता में हो, फिक्री में हो। तो फिर इसलिए परमेश्वर बोलता है कि हे बेटा बेटी हो, तुम मेरे मार्ग पर चलना पड़ेगा। लिखा है भजन संहिता में, दाऊद में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उसकी भजन संहिता 23 अध्याय और 23 का 3 आयत में परमेश्वर कहता है, 3 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्या किया वहां? दाऊद कहता है कि वो मेरे जी में जी लाता है और मेरे धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मुझे अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो अपने मार्ग बोला में परमेश्वर चाहता है। जो परमेश्वर का मार्ग कौन सा है? धर्म के मार्ग है। परमेश्वर ने यह बताया, धर्म के मार्ग में मुझे वो लेकर चलता है, परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है। इसलिए आज आपको और मुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलना। व्यवस्था की किताब में लिखा है 19 अध्याय का उसकी 9 आयत में, मैं आज ज्यादा व्यवस्था की किताब में, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ रहा था तो प्रभु के वचन में यहाँ ज्यादा बातें लिखी है। 19 के 9 में क्या कहता है? यदि तू इन सब आज्ञाओं को माने जिन्हें मैंने आज तुझे सुनाता हूँ, चौकस करे और अपने परमेश्वर श्री यहोवा से प्रेम करे, सदा उसके मार्ग पर चलता रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि सदा आप मेरे मार्ग पर, उसके मार्ग, परमेश्वर के मार्ग रास्ता पर तुम चलते रहे तो तू तीन नगरों को आशीषों में तुम बनते जाएगा। परमेश्वर ने ये बातें बताई गई है। सो भाई बहन, आज जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करके आए तो हमने अपने मार्ग छोड़ दिया गया है, अपने जीवन का मार्ग छोड़ दिया। अभी हमने खुदा के मार्ग पर चलना है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो हंसी ठट्टा करने वाले लोगों के उसमें हम नहीं रहते हैं। परमेश्वर की भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, न पापियों के ठट्टा करने वाले जगह में बैठता है, उनके मार्ग पर चलेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है कि उन पापियों के ठट्टा करने वाले लोगों के लिए उनके साथ में न चलेगा, उनके सम्मुख में नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि न ठट्टा करने वाले मंडलियों में बैठता है वो, कहीं ऐसी जगह लोगों के ठट्टा वाले नहीं बैठेगा, क्योंकि खुदा के मार्ग अलग है। हम ऐसी जगह में नहीं बैठेगा, पापियों के जगह में, जो प्रभु के शरम खिलाने वाले जगह में नहीं बैठेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बात बताया है। धन्य होगा वो पुरुष, धन्य होगा वो स्त्री जो पापियों के ठट्टा करने वाले और जो बुरी बात बोलने वाले लोगों के बीच में वो नहीं बैठेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वो मार्ग से हमें बाहर निकाला है। इसलिए हमें उस खुदा के मार्ग पर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप खुदा के मार्ग पर चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर कहता है हिरणों के समान, हिरण जो हिरण होती है, हिरण के समान उसकी पैरों को मैं बढ़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। हबक्कूक का किताब उसका 3 अध्याय का 19 आयत में परमेश्वर ने ये बातें बोला है। सो आज हम जब प्रभु के पास, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु में हम चलते हैं, तो आपको और मुझे परमेश्वर कहता है कि मेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें परमेश्वर बोल रहा है, आपने उसके मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर हमें बोल रहा है। सो आज हम देखें तो उसके मार्ग में कैसे चलेंगे जब हम।
सो मीका का किताब में लिखा हुआ है, बुक ऑफ मीका चैप्टर 6 और वर्स 8 में लिखा है कि तुम न्याय से काम करने वाले बनो, न्याय से काम करने वाले बनो, कृपा से प्रीत करने वाले बनो और नम्रता के साथ उसके साथ में चलना। परमेश्वर कहता है बड़ी नम्रता के साथ, खुदा के साथ में हमें चलने के लिए परमेश्वर प्रेरित कर रहा है, हमें आज्ञा दे रहा है। सो इसलिए आज के सुबह में इन्हीं वचनों के द्वारा और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए आप सबको मैं प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित करता हूँ। परमेश्वर में के मार्ग हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि प्रभु बार बार ये बोल रहा है तुम मेरे मार्ग में चलो तो तब तुम नदी के समान, तुम्हारी शांति तुम्हारे जीवन में बहेगी। तो परमेश्वर का वचन ने जैसा लिखा है तो कीड़ों के समान तुम्हारे वंश बढ़ते जाएगी, आशीषित हो गए, क्योंकि मैं इसराइल का परमेश्वर हूँ, पवित्र परमेश्वर हूँ। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, प्रभु ने अपने लोगों को इस बात से बताया गया है। सो भाई बहन, आज आपको और मुझे उस खुदा के मार्ग पर चलने की जरूरत है। यदि हम अपने जीवन को खुदा के मार्ग पर चलाएंगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाएगा, आशीषित करेगा और कभी भी किसी चीजों का घटी कमजोर होना नहीं देगा। ये प्रभु का वचन है, इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।